हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम मॉडल के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मॉडल पेपर से उठा करके एक्सरसाइज हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। और जिस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम्स में, या जैसे कोई सेंटेंस दे दिया रहता है और उसमें ब्लैंक्स रहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, और उसमें वर्ब के आर्डर को, करेक्ट आर्डर या करेक्ट फॉर्म को वहाँ पर फिल करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो हमें यहाँ पर वर्ब की करेक्ट फॉर्म को ब्लैंक में फिल करना है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, कौन सा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जब हमें सेंटेंस को देखने पर ये पता चल जाएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब के ही हेल्प से वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भी लगाएंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या है, रेखा फार डेली टुमारो। तो सेंटेंस में दिया है फार डेली टुमारो, तो इसको देखने से हमें लग रहा है टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल, इसका मतलब कि फ्यूचर में बातें हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, ना कोई सेकेंड फॉर्म है या फिर अदर इस तरह से कुछ नहीं है, ये एकदम सिंपल सेंटेंस दिख रहा है। तो ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस हमें मिल गया। जब सिंपल फ्यूचर सेंटेंस मिल गया तो हमने सीखा है कि आई और वी के साथ क्या होता है, आई और वी के साथ हम लगाते हैं सेल, आई और वी के साथ सेल लगता है, और ही सी इट दे, कोई भी आई और वी के अलावा कोई भी अगर करता होगा तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ये चीज़ें हमने सीखी है जब हम टेंस पढ़ रहे थे, फ्यूचर टेंस हमने पढ़ा था, तो ये चीज़ें हमने सीखा था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेखा किसी का नाम दिया गया है, तो आई और वी तो है नहीं कि हम सेल नहीं लगाएंगे, इसलिए तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल। तो हो जाएगा रेखा, उसके बाद हमें मिला कि यहाँ पर विल होगा। जब विल होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, तो हमें विल के साथ क्या आता है, हेल्पिंग विल हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा रेखा विल स्टार्ट। यहाँ पर हमारा वर्ब कैसा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा रेखा विल स्टार्ट फॉर डेली टुमारो। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हम विल और स्टार्ट को फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देखें आई दिस बुक टुमारो। तो यहाँ पर भी क्या है, टुमारो आने वाला कल है, ये भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम आई के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ हम सेल लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेल, और फिनिश का भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि आई वी के, आई वी अगर है या सेल है और विल है, तो सेल विल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेल, अब हमारा वर्ब क्या है, फिनिश। तो हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिश होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई सेल फिनिश, आई सेल फिनिश द बुक टुमारो। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई सेल फिनिश द बुक टुमारो, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा सेंटेंस है, द पोस्टमैन सून, द पोस्टमैन सून। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो द पोस्टमैन के साथ हम क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ तो सेल लगता है, और सबके साथ हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द पोस्टमैन विल, और कम है तो कम का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि विल और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हो जाएगा द पोस्टमैन विल कम सून, इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा, द पोस्टमैन विल कम सून। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू डिफिनेटली, और हमें भरना है बीच में यहाँ पर सक्सीड, तो तुम वास्तव में सफल होगे। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे,
यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी के साथ हम चल लगाते हैं और सबके साथ विल लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, यू विल डेफिनेटली सक्सीड, तो हो जाएगा यू विल सक्सीड डेफिनेटली, सक्सीड का भी यहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ पर जगह कम है तो हम छोटा छोटा लिख देते हैं, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड डेफिनेटली, तुम वास्तव में सफल हो जाओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम वास्तव में सफल हो जाओगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, ए लेटर टू हिम नेक्स्ट डे, आई ए लेटर टू हिम नेक्स्ट डे, अब यहाँ पर आई है तो आई के साथ हम क्या लिखेंगे, आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आई के साथ सेल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई सेल, और सेल के साथ क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम राइट लिखेंगे, आई सेल राइट अ लेटर टू हिम नेक्स्ट डे। यहाँ पर देखिए सारे सेंटेंस हमने सिंपल फ्यूचर के ही सेंटेंस लिए थे, अभी हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस लिए थे आज, इसके अगली बार हम कुछ सेंटेंसेस पास्ट के प्रेजेंट के फ्यूचर के सारे मिक्स करके सेंटेंस लेंगे, तो वहाँ पर पहचानना और भी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो अभी आज हमने जितने भी सेंटेंस लिए हैं सारे सिंपल फ्यूचर के ही सेंटेंस यहाँ पर लिए हुए हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ सी कम हियर, यदि वो यहाँ आएगी, आई हर, क्या है यहाँ पर वर्ब, हमें मीट भरना है, तो आई के साथ हमें क्या भरना होगा, आई के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब आएगी और मीट जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, आई सेल मीट हर, आई सेल मीट हर, इफ सी कम हियर आई सेल मीट हर, यदि वो यहाँ आएगी तो मैं उससे मिलूंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सी, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, नॉट, फिर ब्लैंक है, फिर हर क्लासेस टुमारो, यहाँ पर भी हमारा सिंपल ही सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर हमें भरना है अटेंड, और यहाँ पर सी के बाद यहाँ क्या भराएगा ये हमें देखना है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो दो ब्लैंक दिए गए हैं, यहाँ पर होगा सी, अब सी के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो सी है, सी के साथ क्या लगेगा विल, तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल, उसके बाद नॉट है, सी विल नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, वर्ब क्या है अटेंड, तो विल के साथ निगेटिव सेंटेंस है, विल के साथ निगेटिव सेंटेंस होगा तब भी हमारा क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हो जाएगा सी विल नॉट अटेंड, सी विल नॉट अटेंड हर क्लास टुमारो, तो यहाँ पर देखिए विल के बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब सारे आते हैं, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सी विल नॉट अटेंड हर क्लास टुमारो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ पर एट नंबर, देखिए पहले ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर ब्लैंक है, उसके बाद ये सारे फॉर आगरा ऑन संडे, ये भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का, इसमें भी हम भरेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, उसके बाद ही दिया गया है, उसके बाद फिर ब्लैंक है, फॉर आगरा ऑन संडे, और हमारा सब्जेक्ट है स्टार्ट, तो यहाँ पर क्या भराएगा, सबसे पहले जब यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक दिया गया है तो हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाएगी, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा विल, विल कब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, तो हो जाएगा विल ही, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आया विल ही हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है वर्ब आता है, और वर्ब की क्या होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हो जाएगा विल ही स्टार्ट, विल ही स्टार्ट फॉर आगरा ऑन संडे, तो हो जाएगा विल ही स्टार्ट फॉर आगरा ऑन संडे, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लैंक को कैसे फिल करते हैं। जब सेंटेंस को हम देखेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। अगर यही सेंटेंस पास्ट टेंस का होता या किसी और टेंस का होता तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है ये भी हमें उसके साथ उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। तो आज हमने सिर्फ सिंपल फ्यूचर के ही सेंटेंस लिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम और एक्सरसाइज करेंगे और ऐसे ही और भी सेंटेंस उसमें हम सारे टेंस के मिला कर करेंगे, जिससे हमें एक्सरसाइज करने से हमें नॉलेज और इंक्रीज होगा, हमारा नॉलेज और बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा ही हमने सेंटेंस लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्स करके सेंटेंस को करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।